And the Manipur BJP camp was also elated with the induction of MP R.K. Ranjan Singh into the Union Council of Ministers. With this, R.K. Ranjan has become the first MP from Manipur to have become a part of the Union Cabinet after a gap of 17 years. Meanwhile, Manipur BJP President A.K. Sharda Devi reacted on Singh becoming a part of the Union Cabinet. अभी अभी हाल आर के रंजन की नाम घोषित किया गया और शपथ ग्रहण के लिए आप बीजेपी मणिपुर यूनिट के अध्यक्ष होने के नाते उनकी शपथ ग्रहण को आप कैसे महसूस करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो हमारे आर के रंजन जी को अभी आज जो शपथ लेने का जो मौका दिया है, ये जो हम अच्छा लग रहे हैं कि हम बहुत पहले से भाजपा के सरकार नहीं आया है, तब हमारी नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की ओर से हमको इतना स्टेप मदरली ट्रीट किया है करके इतना बोल के आ रहे हैं, फिर भी भाजपा का सरकार आने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट को और भी आगे जाने के लिए रास्ता उन लोगों ने दिया है और हम आज आर के रंजन जी को इतना अच्छा मौका दिया है कि हम नॉर्थ ईस्ट को डेवलप नहीं करेंगे तो भारत डेवलप नहीं होगा, तो इसीलिए डेवलपमेंट के ओर से जा रहे हैं। तो अभी आर के रंजन जी बहुत एक्सपीरियंस है, भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा जो पार्टी का वर्कर भी है, तो हमको इतना मौका दिया है, इसके लिए मैं हम मोदी जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।